आप मेरी स्किन देख सकते हैं अभी कितनी ग्लोइंग और कितनी अच्छी दिख रही है, कितनी साफ। और आप ग्लो देखिए आप मेरे फेस का। आज मैं आपको जो बेहतरीन सी डीआईवाई बताने वाली हूँ ना, अमेजिंग, आप ना इसको एक बार करेंगे ना, आपको करने के तुरंत तुरंत मतलब इंस्टेंट आपको इफेक्ट दिखेगा, 100% रिजल्ट दिखने वाला है। आप इसे एक बार करेंगे, आपका कलर टू टोन बेटर हो जाएगा, जो भी आपका स्किन कलर है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम आपका कलर डार्क है, डल है, बिल्कुल भी, मतलब एकदम से सांवला है तो वो एकदम से गोरा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, ये झूठी बातें तो मैं करने वाली हूँ नहीं। लेकिन जो भी आपका कलर है उससे टू टोन बेटर हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। आप इसे करके देखें, बेहतर होगा। इस रेमेडी को आप रात में यूज करें, रात में सोने से पहले 10 मिनट पहले आप इसे लगा लें, और इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए, जैसे आप जब करवा चौथ का मेकअप करें या कोई भी मेकअप, शादी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ भी करें, उससे पहले आप 10 मिनट पहले लगा के, बस 5 मिनट के लिए इसको लगा के छोड़ना है, और अपना आपको अपना फेस वॉश करना है। उसके बाद आपको नेचुरल जो आप मेकअप यूज करते हैं वो आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेकअप स्टाइल विद अर्चना। तो गाइज मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अर्चना, फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा डीआईवाई, जिसे आप अपने घर पे यूज करके अपनी स्किन को, अपने कलर को टू टोन बेटर कर सकते हैं, और आप सुंदर, जवां और निखरे निखरे से दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग कुछ अपनी स्किन पे यूज करें, पार्लर जा सकें, या मतलब बहुत महंगे महंगे फेशियल करा सकें। इतना ज़्यादा हमारा नहीं होता है कि हम इतना टाइम दे पाए अपनी स्किन को। तो जब हम अपनी किचन में काम कर रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, उस टाइम को आप एक बेहतर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आटा गूंदने से पहले आपको जो मैं आज फेस पैक बताने वाली हूँ उसी आटे का बनने वाला है, आपको उसको बस मिक्स करके अपने फेस पे लगा लेना है, 5 मिनट लगा छोड़ना है, आटा गूंदने के बाद अपना फेस वॉश कर दें। आप आटा गूंदने के साथ साथ, किचन के साथ साथ, आपकी स्किन भी एकदम से सुंदर और ग्लोइंग दिखाई देगी। तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, और आपको लगे कि हाँ आपकी स्किन में फर्क है, उसके बाद शेयर कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही अभी शेयर कर दो, ठीक है, उसके बाद शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा जरूर दोबारा से मेरे वीडियो पे आके कि हाँ ये बहुत अच्छा डीआईवाई लगा आप लोगों को और आपके ऊपर इफेक्ट हुआ, ठीक है। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे डीआईवाई लेकर आती रहती हूँ मैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलते रहते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा आ रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, बेल बटन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो अब हम अपनी रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने साइड में एक वीडियो क्लिप चला रखी है, उसमें आप देख पाएंगे कि मैं इसको कैसे कैसे मिक्स कर रही हूँ, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज किए हैं, वो सारा कुछ मैंने आगे वीडियो में डिटेल में बताया है। एक चीज मैं बता देती हूँ कि मैं जब कोई भी डीआईवाई यूज करती हूँ ना, कुछ कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि दीदी आप तो खुद ही इतनी गोरी हो और आपका स्किन का कलर मतलब ऑलरेडी साफ है, तो आपका तो साफ लगेगा ही। ऐसा नहीं है, आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका स्किन गोरा है तो गोरा नहीं हुआ, मतलब आपके स्किन पे अगर कोई भी दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन, झाइयां, झुरियां, कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, तो आप इस डीआईवाई को यूज करके देखो, डार्क। तो गाइस डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, ड्राई स्किन है, इची इची सी स्किन हो रही है, विंटर्स आ चुके हैं, स्किन बहुत इची होती है, आप लोगों को पता ही है। मॉइस्चराइज रखने के लिए इस फेस पैक को यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा ग्लो आपको नजर आएगा, साथ में आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज हो जाएगी। और आपको पता है फेस पैक लगाने से, थोड़े से मसाज या फेशियल वगैरह डीआईवाई करने से हमारी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो भी मेंटेन रहता है। इस तरह के जो डीआईवाई होते हैं, घरेलू फेशियल, घरेलू फेस पैक्स जो होते हैं, हमें वीकली, वीक में 3 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स करते रहने चाहिए। आप लोग जानते हैं इसमें कोई भी सामान मार्केट से लाने की जरूरत नहीं होती है, मैं जो भी बताती हूँ आपकी किचन में मिल जाएगा, कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ चल के देख लेते हैं कि इसे हमें आखिर कैसे यूज करना है। तो चलिए फिर लेट्स गो। तो देखिए सबसे पहले हमें इस पैक को लगाने के लिए करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 से 2 चम्मच आप कच्चा दूध ले सकते हैं, जिससे हम अपने फेस की जो है क्लीजिंग करेंगे। और मैं यहाँ पे जब आपके सामने ये पैक लगा रही हूँ, तो मैं इस समय अभी फेस वॉश करके आई हूँ, जस्ट डायरेक्ट ही आपके सामने स्किन केयर मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट फेस वॉश किया, मेरे स्किन पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अभी हम अगर कोई भी अपनी स्किन पे फेस पैक या डीआईवाई यूज करते हैं तो हमें अपनी स्किन को सबसे पहले क्लीन करना चाहिए। अब वीडियो में तो देखिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा कच्चा दूध, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कच्चा दूध ले लिया है और यहाँ पे ये कॉटन ले लिया, आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हो और आप चाहो तो अपने बालों को टाई भी कर सकते हो। यहाँ पे बालों को देखो आपके सामने ही टाई करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्लस्टर लगा लेती हूँ,
जब हमारे बाल आते हैं ना हमारे फेस पे, फेस पैक लगाते समय तो बड़ा ही इरिटेट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने बालों को अच्छे से टाई कर लिया। अब देखिए यहाँ कच्चे दूध में मैं एक कॉटन इस तरह से थोड़ा सा ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना, एक स्पून के करीबन हो, ऐसे। सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करना है। कच्चा दूध सच में इतना अच्छा रिजल्ट देता है ना कि आप यकीन नहीं करोगे। हर जगह आप क्लीन कर लीजिए इसको, क्लीजिंग के तौर पे कच्चा दूध बहुत अच्छा होता है। कच्चा दूध पता है आपको कैसा लेना है? बॉयल वाला जो फ्रिज में ठंडा करने रख देते हैं ना, उस तरह का वो वाला कच्चा दूध नहीं लेना है। कच्चा दूध कोई भी चलेगा, जैसे गाय का, भैंस का, कोई भी ले सकते हो आप, लेकिन आपको जो है बॉयल वाला नहीं लेना है, रॉ मिल्क लेना है। कच्चा दूध बहुत जरूरी होता है। कच्चा दूध स्किन की रंगत को साफ करता है। मतलब सुना होगा जैसे सीरियल्स वगैरह में, टीवी में बताते रहते हैं, टेलीविजन वगैरह में, कि जो हमारे पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, जो रानियां हुआ करती थी ना, वो कच्चे दूध से ही अपनी स्किन को साफ करती थी और कच्चे दूध से ही नहाती थी। तो आप उन लोगों के स्किन का कलर भी देख सकते हो, इतनी अच्छी, एकदम गोरा कलर, एकदम व्हाइट कलर हुआ करता था उनका। तो इसलिए हमें ना कच्चा दूध बहुत बहुत, आप देख रहे हो आपके सामने, देखो कच्चे दूध से एक अलग सा ही ग्लो आता है। आंखों के नीचे भी लगाएंगे, आंखों के ऊपर भी लगाएंगे। वैसे कुछ मसाज वगैरह नहीं करनी है, आप चाहे तो इस तरह से हल्का सा मसाज दे सकते हैं। अपनी गर्दन के, नेक के एरिया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं यहाँ फेस फेस पे लगा के आपको दिखाऊंगी एज अ एग्जाम्पल, डेमो के तौर पर। ये देखिए कच्चे दूध लगाने के बाद आप स्किन देखिए अलग से, जितनी भी मुरझाई, डल स्किन, ड्राई स्किन होती है ना, कच्चे दूध लगाने के बाद ना, कच्चे दूध से मसाज करने के बाद बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सपल सी हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखिए कच्चे दूध लगा लिया, इसको आप ड्राई कर लेंगे अच्छे से, एंड देन हम प्रिपेयर करेंगे फेस पैक। आप लोग देख सकते हैं फेस पैक कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है। यहाँ साइड में एक वीडियो चल रही होगी, वीडियो क्लिप आप उसमें देख लीजिए, बाकी मैं आपको सारा बताती हुई जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फेस पैक बना के रेडी करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, 1 चम्मच लेना है आटा, ठीक है। आटा जो कि गेहूं का आटा होता है ना, हमारे घरों में मिलता है, सबके घरों में मिलता है। और ये जो रेमेडी है ना, आप इसको घर में, मतलब अपनी किचन में काम करते करते भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने किचन में सब्जी बनानी है, उससे पहले इस रेमेडी को मिक्स किया, घोला, अपने फेस पे लगा लिया, अपना घर में काम करते रहे ना। तो इतना आसान है, आपके घरेलू सामानों से, जस्ट 2 या 3 सामान को यूज करके आप ना बहुत अच्छा फेस पैक और अपनी स्किन को ग्लो दे सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों को पता है करवा चौथ आ रही है, तो करवा चौथ पे तो हमें सुंदर और ग्लोइंग गोरा गोरा दिखना ही है। तो हर लेडीज का सपना होता है कि हम वो सबसे सुंदर दिखे, सबसे कलर गोरा एकदम से फेयर हो जाए। तो यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे आटा लेना है हमें, 1 चम्मच आटा। हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से, हमारी स्किन को ब्राइट करता है, कलर साफ करने में हेल्प करता है। अगर आटे का फेस पैक, अगर आप नॉर्मल आटे को भी कच्चे दूध में घोलकर अपने फेस पे लगा लेते हैं ना, तो कच्चा दूध प्लस आटा मिलकर इतना कमाल का काम करते हैं ना आपके फेस पे, आप वाकई में इसको जब लगाओगे तो आप एकदम से डल डल, मुरझाई मुरझाई सी स्किन होगी। जब आप इसको वॉश करोगे ना, तब आपको खुद को लगेगा कितना एनर्जेटिक आपका फेस हो गया है। सो सबसे पहले हमें आटा लेना है 1 चम्मच, उसके बाद या उससे पहले जैसा भी चाहे, हमें लेना है इसको ना घोल बनाने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए कच्चा दूध का यूज करना है, ठीक है। अब गाइज अगर आपकी स्किन ऑयली है ना, तो आप कच्चे दूध की जगह रोज वाटर यूज कर सकते हैं। आटे का घोल बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें 1 स्पून, और बाकी रोज वाटर से इसको घोल लें। और मैं यहाँ पे मेरी स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन वालों के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ, क्योंकि इस समय विंटर्स आ चुके हैं और हल्की हल्की सर्दियाँ शुरुआत हो गई है, तो स्किन ना हमारी बहुत ही चटकने लगी है, अजीब सी डैमेज सी होने लगी है, ड्राई होने लगी है। तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट रामबाण है, आप इसको एक बार मेरे कहने पर करके देखिएगा, आप खुद कहेंगे और मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेमेडी कैसी लगी। लेने के बाद कच्चा दूध की क्वांटिटी हमें करीबन लेनी है 4 से 5 चम्मच, मतलब आप, मैं कोई मेजरमेंट इतना फिक्स नहीं बताने वाली हूँ, जितना आप 1 चम्मच आटा लें अपने फेस के अकॉर्डिंग, नेक के अकॉर्डिंग, उसको अच्छे से पेस्ट बन जाए लाइक दिस। देखिए इस तरह से, ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना आपका पेस्ट बन जाए, इतना आप कच्चा दूध ले लीजिए। इसके बाद हमें बस कुछ भी नहीं मिलाना, एक जादुई रामबाण इंग्रेडिएंट मिक्स करना है, जो है हमारा फिटकरी। साइड में आप देख रहे होंगे क्लिप चल रही है, जिसमें मैंने दिखाया फिटकरी आपको कितनी यूज करनी है। स्पून बहुत छोटी है, लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, वह पिंच ऑफ फिटकरी आपको यूज करनी है। जैसे आप किसी भी फेस पैक में हल्दी यूज करते हैं ना, बस उतना ही फिटकरी यूज करना है। फिटकरी कैसे यूज करनी है मैं बता देती हूँ आपको, एक बार मैंने एक वीडियो में बताया भी था आपको, शायद याद नहीं होगा।
लेकिन मैं अभी, अगर आप लोग न्यू व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, अभी पहली बार आए हैं, तो उसके लिए मैं बताती हूँ फिटकरी को आपको क्या लेना है। क्रश करना है, क्रश करके आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है, किसी भी पत्थर वगैरह पे, किसी पे भी आप कर सकते हो। उसके बाद उसको चलनी से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको उसका पाउडर निकालना है। दाना नहीं होना चाहिए ज़्यादा उसमें, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब आप ये पेस्ट बना लेंगे, ठीक है, आप अपने फेस पे लगाएंगे, इसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है। आप अपनी घड़ी में टाइम देख लेंगे, 5 मिनट आपको ये लगाना है बस, क्योंकि फिटकरी जो होती है ये अपने आप स्किन पे काम करती है। फिटकरी जो है, जितना भी मैल, गंदा, जितना फेस होता है गंदे, कालापन जो होता है, गंदगी होती है ना आपके फेस पे, टैनिंग होती है, इसको एकदम से ऐसे रिमूव करती है बहुत अच्छे से। आप इसको ना 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, फिर आपको 5 मिनट ना टाइम देख के लगा लेना, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप टाइम देख के लगाना। इस तरह से हमने बना लिया पेस्ट। अब मैं आपके सामने लाइव लगा के दिखाऊंगी इसको, तो अभी हम इसको लगाते हैं। स्पून से लगा लो और आप जैसे भी चाहो वैसे लगा लो। देखो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इस तरह से हाथ से। मैं तो ऐसे ही जल्दी में रहती हूँ ना, तो मैं तो ऐसे ही लगा लेती हूँ। देखिए इसको मैं तो ना हर जगह लगाती हूँ, लिप्स पे, आँखों के ऊपर, क्योंकि भाई हमारे लिप्स में भी टैनिंग हो जाती है, आँखों के ऊपर भी हमारे टैनिंग हो जाती है, डार्क सर्कल भी हो जाते हैं, और फिर स्किन भी तो अपनी है, आईज के ऊपर की स्किन, लिप्स हमारे कोई किराए के तो है नहीं है, तो हमारे खुद के हैं, तो हमें तो उनको भी निखारना है ना, तो इसलिए हर जगह इसे लगा लेंगे। 5 मिनट तक ही अपने आप आपके चेहरे पे काम करेगा, वर्क करेगा। इसके बाद अपना फेस वॉश कर लेंगे, उसके बाद फिर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे जरूर कि आपको आखिर मेरा ये ट्रीटमेंट, रेमेडी कैसी लगी। मैं भी आपको ना इसको, और हाँ, सुखाने के चक्कर में नहीं रहना है, इसको सुखाना नहीं है, जस्ट ऐसे ही लगाना है और हटा देना है। तो 5 मिनट लगा रहने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाने वाली हूँ लाइव। 5 मिनट हो गया है मेरा, ये इस तरह से हो गया है। अभी मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। मैंने हैंकी लेकर आई हूँ, मैं इसका थोड़ा सा गीला, पहले मैं लिप्स साफ कर लेती हूँ जिससे मैं बोल पाऊँ। देखिए, अब देखिए, वाह, ओह माय गॉड, क्या स्किन हो गई है, देखो, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा इतना। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर, कितना मतलब एकदम से ऐसा लग रहा है मेरा फेस बिल्कुल वाइट हो गया है, एकदम एनर्जेटिक फेस लग रहा है। मैं इसको क्लीन करके आती हूँ ना, फिर आपको इसका दिखाती हूँ। तो गाइस, अब देखिए मैं यहाँ पे अपना फेस वॉश करके वापस आ गई हूँ। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बाहर जाने वाली हूँ जस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड करके। तो देखिये यहाँ पे ग्लो देखिए, कितना अच्छा ग्लो आया है। ये देखिए, आप ये ग्लो देखते रह जाएंगे अगर आप अपने चेहरे पे ये यूज करेंगे तो। आप एक बार इसे मेरे कहने पे ट्राई जरूर करके देखना, और सच में इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है करवा चौथ आने वाला है, और करवा चौथ के कुछ ही दिन बाकी रह गए, 1 या 2 दिन। सो ना अमेजिंग सा, हमें अपनी स्किन को अंदर से निखारना है, अंदर से ग्लोइंग बनाना है ना, तो उसके लिए हमें ये DIY यूज करने ही पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, पार्लर जाके आप अपने महंगे महंगे फेशियल करा सकते हैं, और एक तरफ आप ये अपने घर में घरेलू सामान से DIY यूज कर सकते हैं बना के। आपको जो रिजल्ट है वो सेम मिलेगा। इवन मैं ये कह सकती हूँ कि आपको घरेलू जो सामान है, DIY जो आप यूज करेंगे, उसका रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा। 50% भी कह सकती हूँ, 80% बेटर मिलेगा मार्केट के फेशियल के, ठीक है। तो एक बार इसे आप ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, मिलती हूँ फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।